नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल ब्लॉग में। आज हम आप थोड़ी थोड़ी जानकारी भैंसों की नस्लों के बारे में देंगे। मुख्यतः भैंसों की नस्ल मुर्रा, भदावरी, सूरती, जाफराबादी, मेहसाना और नीली, ये जो मुख्य नस्लें होती हैं भैंसों की। तो इसमें से मैं आज आपको बताऊंगा भैंसों की एक नस्ल मुर्रा। मुर्रा बड़ी अच्छी और सामान्यतः पाली जाने वाली नस्ल होती है। तो मुर्रा का जो मूल रूप से इसका जो आप ओरिजिन कहेंगे, ये हरियाणा है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। और हरियाणा का जो रोहतक है, वहाँ पे मुर्रा की बहुत बड़ी मंडी लगती है, क्योंकि मूलतः ये मुर्रा जो नस्ल है वो हरियाणा से ही निकली हुई है। इसका उद्भव जो हुआ है हरियाणा से ही हुआ है। तो इसकी हम पहचान की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआती या मुख्य पहचान हम कहेंगे सींगों से की जाती है। सींग इसके छोटे, चौड़े, चपटे, कुंडली मतलब मुड़े हुए होते हैं, कुंडलित इसके जो सींग होते हैं उसका रंग जो होता है ना गहरा काला होता है, एकदम ब्लैक होती है। सिर थोड़ा चपटा होता है और उभरा हुआ रहता है, इसका जो सिर है ना उभरा हुआ। रंग आपको मैंने बताया ही काला होता है। पूंछ और चेहरे पे कई बार है ना सफ़ेद निशान भी मिल जाते हैं इसकी कई ब्रीडों में। और इसकी जो पूंछ होती है जो उस पर टखनों तक मतलब पहुंच जाती है, और टेल जो स्विच सफ़ेद होता है, एन इसका बड़ा विकसित होता है। इसकी त्वचा है ना बड़ी, इसकी जो स्किन है, एक सेकंड मुझे थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम, इसकी जो स्किन है ना वो एकदम नरम होती है। और इसका जो फैट परसेंट की बात करें इसका दूध उत्पादन में, तो इसका जो फैट परसेंट होता है वो 7% के आसपास इसका फैट परसेंट होता है। इसके जो लैक्टेशन आप इसका देखेंगे कि इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है 1800 से 2000 लीटर प्रतिव्यांत इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है। और बहुत अच्छी नस्ल इसको माना जाता है भैंसों में। इसके अलावा सूरती भी है, ये गुजरात में, सूरती जैसे नाम से पता चल रहा है सूरत, ये गुजरात में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है। इसके सींग लंबे और थोड़े गोलाईदार। तो कई नस्लें हैं, भदावरी भी है और मैंने दूसरी बताया था जाफराबादी, मेहसाना, गुजरात की कई नस्लें हैं। और सेम सेम इनका लैक्टेशन सेम होता है, थोड़ा एरिया वाइज अलग अलग ये होती हैं। जैसे भदावरी है, इसका जो रंग है तांबे जैसा होता है, शरीर पे इसके कम बाल होते हैं। तो अलग अलग नस्ल के हिसाब से अलग अलग, मेहसाना हैं ये जो है मुर्रा और सूरती के जो क्रॉस से पैदा हुई है, तो ये दोनों के लग, मेहसाना है ना इस नस्ल के सींग मुर्रा नस्ल की तरह मुड़े हुए, या सूरती नस्ल की आपने देखे होंगे सींग हाँसिया नुमा सींग होते हैं उसके, एकदम ये समझिए आप हाँसिया आपने देखा होगा ना, हाँसिया बहुत ऐसे मुड़ा हुआ ऐसे होता है, लंबा सा हाँसिया नुमा होते हैं। इसका 1400 से 2000 लीटर के समथिंग पर लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन है, लेकिन फैट इसकी कम होती है 4%। टॉप मोस्ट फैट जो होती है वो मुर्रा भैंस की होती है, जहाँ तक मेरी नॉलेज मैंने जो पढ़ा है। तो आगे भी आपको थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी देता रहूँगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।